ओके तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्थ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अर्थ ब्लॉग्स। तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जो है वो आगरा से निकल के वृंदावन आ चुके हैं, तो उस बीच में मैंने ब्लॉग नहीं किया बिकॉज मेरा फ़ोन जो है वो डिस्चार्ज हो गया था। पर हाँ, हम लोग इनिशियली वृंदावन जो है वो आ चुके हैं और इस बार की जन्माष्टमी जो है वो मैं वृंदावन में ही मनाने वाला हूँ। और मेरे साथ जो है वो हमको भाई मिले। भैया अपना नाम बताइए। तो नवीन भैया के साथ हम लोग जो है वो अभी जा रहे हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने। तो हम लोग का पहले प्लान था कल दर्शन करने का, पर फिर हम लोग ने सोचा कि क्योंकि जन्माष्टमी है तो भाई बहुत भीड़ हो जाएगी बांके बिहारी जी में, तो अभी अगर चल के कर लेते हैं तो क्या पता थोड़ा सा खाली मिल जाए। और मन तो था ही, तो बांके बिहारी जी चलेंगे, राधा रमण जी चलेंगे और राधा वल्लभ जी चलेंगे, तो तीनों ही चल चलते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो पागल बाबा के चौराहे पर है और यहाँ से ऑटो पकड़ के चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जो है वो ऑटो में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर। और 20 रुपये सवारी है या पागल बाबा चौराहे से, तो सही है, चलते हैं। तो गाइस ऑटो वाले भैया ने जो है वो हम लोग को यहीं पर रोक दिया। यहाँ से जो है वो पैदल रास्ता है और वृंदावन में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ धूप बहुत तेज़ होती है और आप चश्मा नहीं लगा सकते, क्योंकि जहाँ बंदरों ने आपको चश्मा लगाए हुए देख लिया वो तुरंत आपका चश्मा लेके भाग जाते हैं। ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पर ब्लॉग भी बनाना काफ़ी ज़्यादा जो है वो खतरे से खाली नहीं है बिकॉज बंदर छीन ले जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। ये देखो, ये है मार्केट पूरी। तो गाइस अभी हम लोग को जो है वो वापस आना पड़ा था बिकॉज जूता चप्पल पहन के वो आगे जाने नहीं दे रहे थे, तो इधर से हम लोग को जूता चप्पल उतारना पड़ा। फिर जा रहे हम लोग उस साइड, उधर पुलिस थी तो वो आगे नहीं जाने दे रही थी, तो चलते हैं। तो हम लोग जो है वो जा रहे हैं शिव बांके बिहारी जी के मंदिर के साइड, और ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा ही सा आगे है, ये दो गली आगे है, तो चलते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है पहले राधा वल्लभ जी का मंदिर आएगा, फिर जो है वो बांके बिहारी जी का मंदिर आएगा, उसी के पीछे से रास्ता है, तो देखते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा रखी है। तो गाइस अभी जो है वो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और लगता है आधे एक घंटा लगेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी जो है वो लाइन है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है। पर बढ़िया लग रहा है क्योंकि धूप नहीं लग रही, गली की वजह से धूप सारी ढक गई है, बढ़िया लग रहा है। तो गाइस हम लोग फाइनली जो है वो मंदिर आ चुके हैं, अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइस दर्शन जो है वो फाइनली हो चुके हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा थी। तो अभी हम लोग जो है वो राधा वल्लभ जी और स्नेह बिहारी जी जा रहे हैं, तो चलते हैं, यहाँ से सीधे ही जो है वो मंदिर है। तो गाइस बांके बिहारी जी में जो है वो फाइनली बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ है जन्माष्टमी को लेके, पर कोई नहीं यार, चलता है। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर और फिर वहाँ से जाएंगे राधा रमण जी। तो राधा वल्लभ जी को मैं जो है बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं जब भी आता हूँ तो राधा वल्लभ जी के जो है वो जरूर दर्शन करता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ से रास्ता दिखा रहा है इसका। तो गाइस हम लोग जो है वो राधा वल्लभ जी के मंदिर में आ चुके हैं।